ये बोलेक्स यानी कि जो धनुष की तरह से टेढ़ी टांगे होती हैं उनको समझाने के लिए, ये तो नॉर्मल लेग वाला बंदा है पर डेमोंस्ट्रेशन के लिए ये मेरे मॉडल बन गए हैं, मेरी टीम के ही साथी हैं, ठीक है। पर चूँकि इस समय बोलेक का पेशेंट नहीं है और एक पेशेंट के लिए मुझे बोलेक की बेल्ट उन्होंने ऑर्डर किया भेजनी है मुझे, तो उसको मैं बेल्ट भेज रहा हूँ, उसको बेल्ट तो मैं ये इनको भेज रहा हूँ बेल्ट, तो ये समझ लीजिए बोलेक्स हैं मान लीजिए। तो अब इनको बोलेक के तो क्या करते हैं, थ्री पॉइंट करेक्शन टेक्निक होती है, थ्री पॉइंट करेक्शन टेक्निक में क्या करते हैं, इसको हम पास लाते हैं, इनको पास लाते हैं, इनको पास लाने के लिए हमें वो उनकी लेग्स में तीन बेल्ट बांधनी पड़ती हैं। तीन बेल्ट का जो सेट आता है वो सेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो सेट ही आता है, ये सेट आता है तीन, इसके अंदर ये लेग करेक्शन बेल्ट होता है ना, ये लेग करेक्शन बेल्ट यूनिवर्सल, ये आता है सेट, इनकी तीनों बेल्ट ये पड़ी हुई हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, एक बेल्ट ये दूसरी बेल्ट और ये तीसरी बेल्ट, ये तीन बेल्ट का सेट आता है, एक बेल्ट दो बेल्ट और तीसरी बेल्ट, अब इनको हम बांधना बता रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ट्रैक्शन किट भी, जो लॉन्गिट्यूडनल जो ट्रैक्शन लगाते हैं उसके लिए ट्रैक्शन किट भी आती है मार्केट में, जब इसको हम खोलते हैं पैक में से बाहर निकालते हैं तो ये ट्रैक्शन किट ऐसी है, ये पोर्शन अंदर आता है और ये पोर्शन बाहर आता है। तो इसको कैसे यूज़ करना है ट्रैक्शन किट को, ये बंधा हुआ पैक, ये खुला हुआ पैक, तो इसको कैसे यूज़ करना है ये भी आपको हम बताएंगे। तो इसके लिए एक हैंड टॉबल, हम इस तरह की हैंड टॉबल होती है, वो जो सबसे पतला हिस्सा होता है, ये दो हड्डियाँ होती हैं, ये मीडियल मैल्यूलस, ये लेटरल मैल्यूलस, ये हिस्सा सबसे पतला हिस्सा होता है, यहाँ पर हम ये बांधते हैं एक टॉबल को इस तरह से टाइट करके, हाँ इस तरह से टाइट करके हम एक टॉबल को बांधते हैं, ये टाइट करके टॉबल को बांध दिया गया है, अब ऐसे ही हमने दूसरे के अंदर बांध दिया। ये बांध दिया गया, अब ये हमने ये किट तैयार कर रखी है, तो ये जो ये वो जो किट थी उसी खोलिए ज़रा, तो ये खुली आगे किट, अब इसको ध्यान रखिए, ये इसकी ये जो लॉन्गिट्यूडनल बैंड आ रहा है, ये जो कान आ रहे हैं, ये एक तो इस साइड में आएगा इधर हड्डी की तरफ, एक इस हड्डी की तरफ आएगा, इसको ऊपर उठाइए और इसको इसके नीचे रख दिया इस तरह से, तो ये दोनों एक एक तरफ आ गए और इसको कस के बांध दिया आपने इस तरह से करके, और इसको डबल लॉक कर दिया, इसको ये डबल कस के पूरी ताकत से ये डबल लॉक कर दिया, अब इसको दूसरा बांधिए। ये वेलक्रो बांध दिया आपने, अब इसको डबल लॉक कर दिया, ये डबल लॉक कर दिया, ठीक। अब देखिए दोनों तैयार हो गए, अब यहाँ पर हम एक पॉलीथीन लगा देते हैं, वो इसलिए कि पॉलीथीन हम इसलिए लगा देते हैं जिससे इसका फ्रिक्शन ना रहे, फ्रिक्शन कम से कम हो जाए, तो पॉलीथीन लगा दी हमने, ये पॉलीथीन लगा दी। इसमें ध्यान क्या रखना है, ये तो गांठें लग गई हैं लेकिन स्ट्रेट आएगा, ये कम से कम 6 इंच, ये जो प्लास्टिक कॉर्ड है ये कम से कम 6 इंच या 9 इंच ये हमारी बेड के ऊपर रहना चाहिए, उसके बाद ये नीचे जाना चाहिए, और यहाँ पर हुक नहीं लटकाना है, या डायरेक्ट एक थैले के अंदर बालू भर के टांगनी है, पर हम आपको घर में, क्योंकि अगर हम ये वेट हैं, इन वेट को अगर लटकाएंगे और कई गलती से गिर पड़े तो पैर के अंदर फ्रैक्चर हो जाएगा, तो इसके लिए अब पहले हमने ये तैयार कर लिया, ये हमने तैयार करके रख लिया, अब हम क्या करेंगे, इनकी टांगें टेढ़ी हैं, इनकी टांगें इस तरह से टेढ़ी है नहीं, ये तो हमने समझाने के लिए कर दी इस तरह से, ये तो हमारी टीम के सबसे अच्छे ज़ोरदार होशियार मेंबर हैं। तो अब एक तो यहाँ, एक तो थाई की जो यहाँ सबसे ज़्यादा ये भी बैंड होती हैं और ये भी बैंड होती हैं, तो एक पोर्शन तो हमें ये यहाँ से हिप से लेके नी तक के बीच में बांधना है, और तो बांधिए ज़रा बेल्ट को लीजिए, अब देखिए बेल्ट को बांधा जा रहा है, ये बेल्ट को बांध रहे हैं,
ये बेल्ट को बांध रहे हैं। हाँ दोबारा खोलिए, खोल के मत दिखाइए। हाँ तो ये बेल्ट है, इस बेल्ट को फंसा लिया इन्होंने और कस के यहाँ बांधा बीच के अंदर, ठीक है। ये बेल्ट कस के बांध दी, इसमें वेलक्रो होता है वो बन जाता है, चिपक जाता है। अब देखिए दोनों टांगें पास पास आ गई और एक उन्होंने घुटने के ऊपर बांधी और दूसरी बेल्ट लगाई इन्होंने और इसको इसमें हुक में से निकाला और कसा और इसको कस दिया, ये वेलक्रो से भी कस गया। ध्यान रखें ये हुक जो आता है ये दोनों बीच में आना चाहिए, बिल्कुल इस खाली स्थान के अंदर हुक दोनों के बीच में खाली स्थान पर आना चाहिए। हुक यहाँ चुभेगा तो घाव बना देगा और तीसरा यहाँ पर आएगा सेंटर में। ये तो नी के ऊपर आ गया, ये नी और लेग के बीच, ये भी लेग भी कर, यहाँ नहीं बीच में, यहाँ नहीं बीच में, लेग के बीच में, ये थाई के सेंटर में, ये नी के ऊपर, ये लेग के बीच में। हुक बीच में रखिए, हुक बीच में रखिए। हाँ ठीक है, लगाइए, बंद कर दीजिए, ठीक। कट वाला था ना, बेकार, ठीक है। अब ये दोनों पास पाके, तो आपने एक बेल्ट यहाँ लगा दी, एक बेल्ट यहाँ लगा दी, एक बेल्ट यहाँ लगा दी, एक थाई के बीच में, एक नी के ऊपर, एक लेग के बीच में। अब उसके बाद आपने इनके ऊपर, अब आपने ट्रैक्शन ये लटका दिया, ठीक, और इसको वजन ये लटका दिया, तो ये आपका वेट लटक गया, ये देखिए वजन लटका दिया गया है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि ये तो इधर से खींचेगा वजन से और ये बेल्ट इस कर्वेचर को कवर करेंगी, इस तरह से इस वजन, ये वजन, ये वजन, ये और ये, और दोनों अंगूठों के बीच में हम एक बैंड आता है, लड़कियां जो हेयर बैंड लगाती हैं उसको लगा दिया। इस तरह से तीन बेल्ट और उसके साथ कुछ मेडिसिन भी दी जाती हैं जो बोन को अच्छा करती हैं, जैसे विटामिन डी देते हैं, कैल्शियम देते हैं और हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। इन तीनों को इस तरह से ये पूरा पूरा ये एक सिस्टम बन जाता है जिससे बोन लेग को करेक्ट किया जाता है। तो थ्री बेल्ट सेट एंड एंकल ट्रैक्शन किट, इस तरह से बोन लेग्स को घर पर ही बिना ऑपरेशन के करेक्ट किया जाता है। पर ये जादू नहीं है, आपकी बोन लेग 8-10 साल से हैं, जितने साल से बोन लेग्स हैं कम से कम एक साल का एक सप्ताह, 1 week for 1 year। अगर आपके पिछले 20 साल से हैं तो 20 सप्ताह आपको टाइम देना पड़ेगा, स्लोली स्लोली कवर होता है। और पहले दिन बहुत ज़्यादा टाइट करके ना माने, जैसे जैसे आप टॉयलेट करते चले जाएं वैसे वैसे इसका इसको टाइट करके बांधते चले जाएं। तो ये थ्री बेल्ट करेक्शन सिस्टम है और ये एंकल ट्रैक्शन किट है और ये हेयर बैंड है। हेयर बैंड दूसरा निकालिए, एक और देखिए, ये हेयर बैंड आता है, ये हेयर बैंड मार्केट में आता है और ये 5 रुपये का आता है मार्केट के अंदर, इसी को डबल करके लगा देते हैं, ठीक है। स्ट्रेचेबल होता है, देखो ये स्ट्रेचेबल होता है, बहुत स्ट्रेचेबल होता है। तो ये एक तरीका है बो लेग्स को करेक्ट करने का और इसी तरह से आप नॉकनी को भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो डिफॉर्मिटी करेक्शन हमेशा थ्री पॉइंट प्रेशर टेक्निक से करेक्ट की जाती है और ये हमने कर दिया। तो अब मैं आपको अपना एड्रेस भी दे देता हूँ, एड्रेस तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल एड्रेस है मेरा, ये देखिए, नाम डॉक्टर सुभाष सल ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये मेरा एड्रेस है, बोन जॉइंट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, 74 पॉकेट ए, सरता विहार, न्यू दिल्ली। और मेरा मोबाइल नंबर है 9810124433 और लैंडलाइन नंबर है 011424300006। थैंक यू।